हेलो फ्रेंड्स, हमें को अभी जो देखा उस वीडियो को, उसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा जाओ गौर से देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं। हमने एक्सटेंसिव इंट्रेंसिव के बारे में देख लिया, एक्सटेंसिव के बारे में बात करते हैं। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, एक्स का मतलब एक्स्ट्रा, ट्रेंसिक मतलब सेमीकंडक्टर में जो एलिमेंट होता है उसमें, ठीक है। तो हम इसमें डोपिंग करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। डोपिंग करने का मतलब क्या है कि हम एक्स्ट्रा जो है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। उस इम्प्योरिटीज में क्या होता है, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कम होता है, जितना कि किसी भी सेमीकंडक्टर के एलिमेंट को चाहिए होता है। आपको पता है कि किसी भी सेमीकंडक्टर के एलिमेंट को फ्रेंड्स क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उनके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि वो स्टेबल हो जाए। हर कोई स्टेबल होना चाहता है, फ्री होना चाहता है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबको यही चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन एटम्स भी यही चाहते हैं। लेकिन जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं फ्रेंड्स, तो इम्प्योरिटी जो ऐड करते हैं वो क्या करते हैं, या तो हम 5 वाला एलिमेंट वाला यूट ऐड करते हैं, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन वाला ऐड करते हैं, या 5 इलेक्ट्रॉन वाला ऐड करते हैं, ठीक है। जब 5 इलेक्ट्रॉन वाला ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं पेंटावलेंट। पेंटावलेंट, पेंटा मतलब 5, वैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 5 हो, ठीक है। वैलेंसी, वैलेंट मतलब वैलेंसी, और पेंटा मतलब 5, जिसकी वैलेंसी 5 हो उसको बोलते हैं पेंटावैलेंट। दूसरा होता है ट्राईवैलेंट, ठीक है। पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट तो हम एक टाइप का मिक्सर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जिसको जिसके बाद जो सेमीकंडक्टर होता है वो क्या बन जाता है, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है फ्रेंड। आइए बात करते हैं पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट, ठीक है। कोई भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे पेंटावलेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जिसकी वैलेंसी 3 होगी, उसको बोलेंगे ट्राईवलेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं, चलिए, ठीक है। जो हम डोपिंग करते हैं, हम कितना डोपिंग करते हैं फ्रेंड्स, पता है आपको? हाँ, डोपिंग जो करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है कि अगर एटम 10^8 है तो उसमें हम एक एटम को मिलाते हैं। यानी ये जो होगा एटम हो गया, किसी भी एलिमेंट के एटम इतना हो गया, तो डोपिंग का एक क्या बोलते हैं एटम हम इम्प्योरिटी का ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी एटम, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि अगर एटम, नॉर्मल एटम जो प्योर इंट्रेंसिक एटम जो होता है, अगर वो 8 के 10^8 हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एटम का इम्प्योरिटी हम उसमें ऐड करते हैं। वो इम्प्योरिटी चाहे ट्राईवैलेंट हो जाए चाहे पेंटावैलेंट हो जाए, उस पर डिपेंड करता है। अगर हमको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई हमको 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है जबरदस्ती, तो हम 5 इलेक्ट्रॉन तो ले लेंगे, लेकिन हम नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम बच जाएगा, क्योंकि वो 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 4 हमें चाहिए, तो उसका 4 हम यूज कर लेंगे, 4 न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, जिसकी वजह से हम नेगेटिव जैसा शो करेंगे, यानी नेगेटिव जैसा हम फील करेंगे, यानी हम नेगेटिव जैसा आपको दिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमको 4 चाहिए, हाँ, टेट्रावेलेंट मेरे पास है, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मेरे पास बचा, लेकिन कोई हमको 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन और हमें चाहिए, यानी हम पॉजिटिव फील करेंगे, यानी भूखे फील करेंगे, एक्सेप्टर फील करेंगे, हम एक्सेप्ट करना चाहेंगे एक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी हम एक और इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हम ट्राईवैलेंट लेंगे, और ट्राईवैलेंट लेने के बाद हम एक इलेक्ट्रॉन की और कमी हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन और हमें चाहिए, एक्सेप्ट कर सकते हैं मिल जाए तो, ठीक है। इसलिए जो ट्राईवैलेंट जो इम्प्योरिटी होती है, जो ट्राईवैलेंट जिसको बोलते हैं, जो ट्राईवैलेंट होता है उसको बोलते हैं क्या, एक्सेप्टर आयन या एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर टाइप। और जो पेंटावेलेंट होता है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे आप बताओ? क्या उसको बोलते हैं, डोनर, डोनर उसको बोलते हैं। जो नेगेटिव होते हैं, एन टाइप होते हैं, उनको बोलते हैं डोनर, ठीक है। क्योंकि भैया वो तो ऑलरेडी इतना ढेर सारा दे दिया है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा बच गया, मेरे पास रखने को जगह नहीं है, डिस्टर्ब हो रहा है मेरा पूरा फंक्शन, जगह पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, हॉचपॉच हो जा रहा है, तो उसको हम दे देंगे अपना, क्योंकि उसके हम नेगेटिव फील हो रहे हैं, भारी फील हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम उसको देना चाहेंगे, तो इसलिए हम उसको डोनर कहते हैं। लेकिन एक मेरे में कमी है, हम चाहते हैं स्टेबल होने के लिए, एक हमें और चाहिए, ये तो उसको हम एक्सेप्टर बोलते हैं, डोनर बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ट्राईवैलेंट को बोलते हैं पी टाइप, और पेंटावैलेंट को बोलते हैं क्या, एन टाइप। देखिएगा, पेंटावैलेंट तो अपोजिट लेके चलना, अपोजिट नाम पकड़ना, पेंटावैलेंट को
जो है एन टाइप हो जाएगा, ठीक है। पेंटावलेंट एन टाइप, तो जो बच गया वो ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट क्या पी टाइप। पेंटावलेंट पी एन टाइप क्यों होता है, क्योंकि हमें चार की जरूरत है, वो पांच दे रहा है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का भार हम संभाल लेते हैं, यानी हमारे ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, हम नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं, इसलिए हम क्या एन टाइप हो जाते हैं। और जो ट्राइवेलेंट आता है, हमें चार चाहिए, वो तीन देता है, तो हमें चार चाहिए लेकिन हम तीन देता है, यानी हम एक पॉजिटिव और है बचे हुए, एक और हमें चाहिए, यानी हम एक्सेप्ट एक और कर सकते हैं, इसलिए हम पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। यानी पेंटावलेंट को ही हम बोलते हैं क्या एन टाइप, और ट्राइवेलेंट को क्या बोलते हैं पी टाइप, ठीक है फ्रेंड्स। यानी जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जो हम आगे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एन टाइप और पी टाइप। तो एन टाइप कैसे होगा, जब हम किसी भी इंट्रेंसिक यानी प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होगा, उसमें जब हम पेंटावलेंट टाइप का एलिमेंट जब मिला देते हैं तो वो एन टाइप बन जाता है, और जब प्योर फॉर्म ऑफ कोई भी इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होगा उसमें हम ट्राइवेलेंट मिला देते हैं तो वो पी टाइप बन जाता है। कैसे बनता है, क्यों बनता है पी टाइप, हमने बता दिया आपको, चलिए आगे देखते हैं। ये डोपिंग हो गया, डोपिंग क्या ये होता है, रेशियो होता है। अगर एटम जो है प्योर एटम जो है कि अगर एक वन ए 10^8 है, तो वन जो होगा उसमें इम्प्योरिटी एटम ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, ये लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, इससे कम कर सकते हैं लेकिन एक से कम क्या करेंगे भैया, इसलिए याद रखिएगा। नहीं सोचिए हम कितना इम्प्योरिटी ऐड करते होंगे, तो एटम कितना होता हो किसी भी एलिमेंट में, जो हम सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ करते हैं, हमारे मोबाइल में, हमारे फ़ोन में, हमारे टीवी में, हर जगह जो है उसको यूज़ करते हैं, ये माइक्रोफोन में भी लगा हुआ है वैसे, ठीक है। चलिए आइए इसको रब कर दिया जाए, चलिए रब कर देते हैं इसको, ये जो रेशियो था आप इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। इस पेंटावलेंट ट्राइवलेंट की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ अच्छे से लिख देते हैं एन टाइप और यहाँ पी टाइप, ठीक है फ्रेंड्स, एन टाइप और पी टाइप। आइए बात करते हैं, एन टाइप में जो जो मेटल होंगे, या तो आर्सेनिक होगा या तो एंटीमोनी होगा, आर्सेनिक और एंटीमोनी, ठीक है, आर्सेनिक या फिर एंटीमोनी, ठीक है। अब भैया आर्सेनिक हो चाहे एंटीमोनी हो, इसका एटॉमिक नंबर भी जान लेते हैं। तो जो आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता है वो 33 होता है, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप होता है 13, पीरियड 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 क्या होता है, पीरियड होगा 4, ठीक है। एंटीमोनी की बात करें तो एंटीमोनी हो जाएगा 51, हम बात कर रहे हैं एन टाइप यानी पेंटावलेंट का, ठीक है। ग्रुप हो जाएगा फ्रेंड्स 15 और पीरियड हो जाएगा 5, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर, ये ग्रुप, ये पीरियड, ये एटॉमिक नंबर, ये ग्रुप और ये पीरियड, ठीक है फ्रेंड्स। हम दिखा देंगे आपको क्या उसको बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल यहाँ पे आप स्क्रीन पे आ गया होगा, देख लीजिए यहाँ से, ठीक है, ये पूरा आप समझ सकते हो, ठीक है फ्रेंड। आइए बात करते हैं, हो गया भैया पी टाइप के बारे में तो आपने बता दिया, एन टाइप के बारे में तो कुछ नहीं बताए, तो आइए एन टाइप के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं एन टाइप के बारे में, सॉरी पी टाइप के बारे में, हमने एन टाइप के बारे में तो पढ़ लिया, पी टाइप के बारे में फ्रेंड्स, पी टाइप के कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, तो इसमें आता है गैलियम और इंडियम, ठीक है फ्रेंड्स, गैलियम और इंडियम, इंडियम, ठीक है, गैलियम और इंडियम। एटॉमिक नंबर जो होता है इसका होता है 31, और इससे दो कब ज़्यादा, यानी 49, ठीक है, ठीक है फ्रेंड, इससे दो ज़्यादा और इससे दो कम, इससे दो कम, क्योंकि ये पी टाइप है, इलेक्ट्रॉन कम होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये 31 जो है इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ग्रुप जो है 13 है, पीरियड 4 है, ठीक है। इसका भी ग्रुप क्या है फ्रेंड्स, 13 ही है, लेकिन पीरियड क्या है 5, ठीक है फ्रेंड्स। यानी ये इसका और इसका 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 देखेंगे तो ग्रुप और पीरियड सेम, इसका ग्रुप और पीरियड सेम, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं आगे, ठीक ग्रुप सेम तो होना नहीं चाहिए, ग्रुप 15 फ्रेंड्स, सॉरी फॉर योर कन्वीनियंट ग्रुप 15 होगा, क्योंकि 13-13 ग्रुप एक ही में थोड़ी, एक ही में आ जाएगा फिर मेटल कैसे होगा, ठीक है। सॉरी वो अभी चार्ट पीरियोडिक टेबल आपके सामने, वहाँ से आप देख सकते हो, अगर मैं कुछ गलत पढ़ाया तो आप खुद से जज कर सकते हो, ठीक है। और इसीलिए जो है, ठीक है, एन टाइप को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको एन टाइप बोल दे रहे हैं, एन टाइप होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं डोनर, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, एफिशिएंसी हो जाती है, इसके लिए इसको बोलते हैं लोनर,
लोनर और एक्सेप्टर, ठीक है, ये एक्सेप्ट करता है तो लोनर या फिर एक्सेप्टर, ये डोनर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, क्योंकि इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, पता है आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो डोनर इम्प्योरिटी और एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, ठीक है फ्रेंड्स। ये दोनों क्या होते हैं, इम्प्योरिटी ही होती है, इम्प्योरिटीज होती है जो हम ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। जो हम यहाँ पे ऐड करते हैं ये इम्प्योरिटीज होती है, जो डोनर इम्प्योरिटीज, पेंटावेलेंट एटम जो कि एन टाइप होते हैं, ट्राईवेलेंट एटम इम्प्योरिटीज जिसको पी टाइप होते हैं, जिसमें गैलियम होता है, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31, पीरियडिक ग्रुप 13, पीरियड 4, इंडियम का एटॉमिक नंबर 49, पीरियड जो है कि 13, सॉरी ग्रुप 13, पीरियड 5, आर्सेनिक जो एन टाइप पेंटावेलेंट होता है, जिसके आखिर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी 5 होती है, आर्सेनिक जिसका एटॉमिक नंबर 33, ग्रुप 15, पीरियड 4, एंटीमोनी जिसका पीरियोडिक लास्ट में 4-5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वैलेंसी 5 होती है, 51 एटॉमिक नंबर, 15 ग्रुप, 5 पीरियड, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पीएन जंक्शन के बारे में, हाउ अ पीएन जंक्शन फॉर्म। इस फिगर को अभी मैं नहीं बताऊंगा, मैं इसको मुझे बनाना पड़ेगा दोबारा, इसलिए मैं इसको नहीं रब कर रहा हूँ, ठीक है। हम आगे बात करेंगे, हमने हमने फ्रेंड्स एन टाइप को जो इम्प्योरिटीज था प्योर फॉर्म में जो था उसमें हमने पेंटावेलेंट मिलाया, एन टाइप इम्प्योरिटी बना, पी टाइप में जो है कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाया। ट्राईवेलेंट में क्या था फ्रेंड्स, जैसे गैलियम था, ठीक है, या इंडियम था। एन टाइप में क्या था फ्रेंड्स, एंटीमोनी था या फिर आर्सेनिक था। एंटीमोनी का एटॉमिक नंबर 51 और आर्सेनिक का 31, गैलियम का यहाँ पे था एटॉमिक नंबर 31, सॉरी आर्सेनिक का 33 था एटॉमिक नंबर, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 और इंडियम का एटॉमिक नंबर 49, ग्रुप और पीरियड आप बता सकते हैं जो कि मैंने बताया है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन हो क्या गया भैया, तो जब हमने पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ा तो पीएन जंक्शन का फॉर्म, एक जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ, जो जंक्शन पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर मेटल से, सेमीकंडक्टर एलिमेंट से मिलके बना है, या जोड़ने के बाद जो बनाते हैं पी और एन टाइप के एलिमेंट को मिला के जोड़ के बनाते हैं, तो इसलिए उसको पीएन जंक्शन बोलते हैं। एक ऐसा जंक्शन जो पी और एन टाइप के इम्प्योरिटीज से बना हो, सेमीकंडक्टर जो पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर से बना हो उसके ज्वाइन को ही जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए भैया हमने तो फिगर में बता दिया जंक्शन, एक्चुअली में जंक्शन कैसे बनते होंगे, ठीक है। और एक चीज और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बुक में नहीं दिया है आपके प्रज्ञा मेहता में, वो है कि एन टाइप और पी टाइप का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो कैसे होता है वो भी जान लीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये स्लैब है, आई हैव दिस दिस, ये मान लो मेरे पास क्या है, इंटेंसिव सेमी कंडक्टर यानी प्योर फॉर्म ऑफ सेमी कंडक्टर है। इसमें हमने क्या किया, गैलियम है, गैलियम को हमने क्या किया, आग पे रखा वैक्यूम में, और उसको 1000 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं, और इसको भी वहाँ पे रखा हुआ है। तो क्या होता है कि 1000 डिग्री सेल्सियस इसको भी मिला, 1000 डिग्री सेल्सियस गैलियम को भी मिला, और दोनों मेल्ट होते हैं, और इसके ऊपर क्या होता है, हल्का 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 जो है कि गैलियम की परत जो है लेयर इसके ऊपर चढ़ती जाती है, चढ़ती जाती है, और क्या ये हो जाता है, ये अगर गैलियम चढ़ा रहे हैं तो फ्रेंड्स ये हो गया एन टाइप पी टाइप, अगर ये इसमें आर्सेनिक चढ़ता या एंटीमोनी चढ़ता तो होता ये लेयर चढ़ता, तो ये हो जाता क्या, पी टाइप, सॉरी एन टाइप, यानी पेंटावेलेंट आर्सेनिक और एंटीमोनी जो है कि पेंटावेलेंट होते हैं, गैलियम और इंडियम क्या होता है, ट्राइवेलेंट होता है। तो उससे क्या होता है कि एन टाइप और पी टाइप हम बना सकते थे, ठीक है, फॉर्मेशन। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ जो होता है पीएन जंक्शन कैसे होता है, आइए बात करते हैं, उसको पढ़ना है, कभी के पूछ लेता है, ठीक है। मान लीजिए हमने एन टाइप का हमने क्या लिया, गैलियम ले लिया, जर्मेनियम, सॉरी जर्मेनियम ले लिया, एन टाइप का जर्मेनियम हमने ले रखा है, ठीक है। अब भैया एन टाइप है, हमको पी जंक्शन बनाना, तो अब हमको पी टाइप का कोई मेटल लेना होगा, पी टाइप में या तो हम गैलियम लें या तो इंडियम लें, तो हम इंडियम ले लेते हैं, ठीक है, आपके बुक में इंडियम ही लिया होगा। इन दोनों को वैक्यूम में रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आग देते हैं, हीट देते हैं, कितना देते हैं हीट, हीट देते हैं 500 डिग्री सेल्सियस का,
ठीक है, जब हम इसको हीट देते हैं इस वैक्यूम में रख के 500 डिग्री सेल्सियस में, तो दोनों आपस में जुड़ जाता है, अच्छे से नहीं जुड़ता है, तो इस प्रोसेस को हम फिर उनको हीट देने के बाद ठंडा करते हैं, निकालते हैं मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन मतलब क्या, कड़ा हो जाना, ठोस हो जाना, सॉलिडफाइड हो जाना, सॉलिडफाइड हो जाना मतलब सॉलिड हो जाना। ठीक है, जब कोई भी गर्म चीज़ ठंडा होता है उसको बोलते हैं मॉल्टन। ठीक है, जैसे लावा सुना होगा आपने, वल्केनो, तो वल्केनो जी क्या होता है, जब ठंडा हो जाता है तो मॉल्टन स्टेट में हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक जो होता है वल्केनो से बना होता है, वल्केनो जहाँ होता है आसपास वहीं पे ये इग्नियस रॉक पाया जाता है, जिससे कि सिलिकॉन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो मॉल्टेन हो गया, यानी ठंडा होने के बाद उसको मॉल्टेन बोलते हैं। जैसे कोयले को जला दिया, कोयले को जलाने के बाद जो बच जाता है रॉक वो मॉल्टेन हो गया, बस जलने के बाद जो बच जाता है वो सॉलिड हो जाता है, उसको बोलते हैं मॉल्टेन। ठीक है, तो ये इसके इसके ऊपर चढ़ जाता है। मान लो कि ये एन टाइप का जर्मेनियम था, ठीक है, और इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे ये वैक्यूम है, इसमें हमने थोड़ा सा इंडियम का इतना बड़ा इस पे रख दिया। ठीक है, और इसको हमने हीट दे दिया 500 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही इसको हीट दिया हमने, ठीक है, ये थोड़ा सा इस पे जो है कि अच्छे से नहीं, ये तो अभी थोड़ा उठा ही रहता है, तो अच्छे से नहीं, ये ऐसे हो जाता है, जो हल्का सा ऐसे हो जाता है। एक बार हीट देने से इतना उठा था, थोड़ा सा मतलब इसकी हाइट विड्थ ज़्यादा था, अब इसकी ऊंचाई कम है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा थी। फिर इसको हम वही प्रोसेस करते हैं, मॉल ठंडा होने के बाद 500 डिग्री सेल्सियस देते हैं, फिर ये क्या होता है, और फ्लैट हो जाता है और ऐसे हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये फ्लैट हो गया, हल्का सा इसमें होगा, फिर इसको हीट देंगे तो ऐसे फॉर्म में हो जाएगा, यानी पूरा एन टाइप और ये पी टाइप, इस टाइप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जितना हम अमाउंट रखेंगे और जितना हम हीट देंगे उतना अमाउंट में हमको पी टाइप का या एन टाइप का फॉर्मेशन होगा, यानी एन टाइप का इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन, पी टाइप का इतना कम कंसंट्रेशन, क्योंकि हम इंडियम की वैल्यू को कम रखें। अगर दोनों की वैल्यू का आपको बराबर रखेंगे तो दोनों का कंसंट्रेशन भी सेम होता है, जो कि नॉर्मली पी एन जंक्शन में होता है। ठीक है, ये था फॉर्मेशन जो बुक में दिया था। ठीक है, चलिए अब पता चला इंडियम को क्यों लेते हैं, क्योंकि इंडियम पी टाइप है, और गैलियम जो एन टाइप, यानी एन टाइप मतलब निगेटिव, मतलब कि वो क्या, उसके साथ क्या है, या तो आर्सेनिक या तो एंटीमोनी, जो कि पेंटावेलेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम होते हैं, इम्प्योरिटी होती है, उसको ऐड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हमने पी एन जंक्शन तो बना दिया, ये पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया, या तो इसमें हम आर्सेनिक मिलाए होंगे या फिर एंटीमोनी मिलाए होंगे, इसमें क्या गैलियम मिलाए होंगे या फिर इंडियम मिलाए होंगे। चलो ठीक है, बन गया। बनने के बाद क्या भैया, जब एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और यहाँ पे प्रोटॉन पी टाइप में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि ये होल्स जो इलेक्ट्रॉन से होल्स की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा भीड़ होता है, इतना ज़्यादा इनके में कसाकस एकदम डेंसली जो होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम सटे सटे। ठीक है, कि ये यहाँ भागना चाहते हो, यहाँ भागना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहता है, होल तो बेचारा जा ही नहीं पाएगा कहीं, वो तो उसके हाथ पांव होते नहीं है, इलेक्ट्रॉन के हाथ पांव होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहता है तो ऐसे कैसे जाए, ऐसे कैसे जाए तो डायरेक्ट कैसे जाता है, तो थोड़े बड़े इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े बड़े इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, डिफ्यूजन मतलब यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पे ये जो जगह था, ये वाला जगह, ये जगह जो इस वाले होल का, ये जगह खाली हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ जम करके यहाँ आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था जो जम करके यहाँ आ गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था जो जम करके डिफ्यूज होकर, जंप नहीं किया, डिफ्यूज होकर मतलब बह के आ गया, और यहाँ पे कुछ होल्स बन गए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन गए। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्या होगा, तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाता है तो यहाँ होल बन जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है यहाँ होल बन जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है यहाँ होल बन जाता है, ऐसे करते करते क्या होता है कि एक पॉजिटिव आयन यानी होल नेगेटिव यानी एन टाइप में एक होल बन जाता है, होल यानी पॉजिटिव आयन या पेन जो पॉजिटिव होल बन जाते हैं एन टाइप में। ठीक है, उस होल को क्या बोलते हैं, पेंटावलेंट आयन। ठीक है फ्रेंड्स, उस होल को क्या बोलते हैं, पेंटावलेंट आयन। तो यहाँ पे जो होल की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी ये जो होल्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर तिरछे, ये एक्चुअली होल्स यहाँ पॉजिटिव में आ जाते हैं, एक आयन बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं, वो पॉजिटिव लेयर हो जाता है, यानी होल का एक लेयर बना देते हैं, उस लेयर से क्या हो जाता है कि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ सकता है, यहाँ आ सकता है लेकिन इसके इधर नहीं बढ़ सकता है वो। ठीक है, तो एक ये लेयर बना देते हैं, इसको बोलते हैं वैरियर। ठीक है, एज अ वैरियर, और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये जो पी टाइप पहले था वो एन नेगेटिव में हो जाता है। ठीक है, और एन टाइप उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, तो एन टाइप की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जाएंगे नहीं। ठीक है, और क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए भैया, लेकिन उतना ही गए, उसके बाद क्यों इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गए कि अब इलेक्ट्रॉन यहाँ जा नहीं सकता है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुए तो यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है,
मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, मतलब इसमें का जो इलेक्ट्रॉन था इससे सट गया, ठीक है, इसके अट्रैक्शन में आ गया। इसके अट्रैक्शन माने क्या कि इधर इलेक्ट्रॉन का क्लियर बन जाता है, यहाँ प्रोटॉन का क्लियर बन जाता है। नहीं समझ में आए फिर समझिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, ठीक है, पहले पी एन जंक्शन बनता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं रूम टेम्परेचर पे ही, ठीक है। तो डिफ्यूज करने के बाद जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव आयन बनेगा, ये पॉजिटिव आयन बनने के बाद इस आयन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ये आयन यहाँ कॉर्नर पे बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सब ढकेलते हैं उसको, ढकेल ढकेल के इसको पॉजिटिव कॉर्नर पे आ जाता है आयन, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो चार्ज होता है, जो आयन होता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, इस बॉर्डर पे आ जाता है, इस इंड पे आ जाता है, दोनों मिल जाते हैं, और दोनों मिल के क्या होता है कि कंबाइंड हो जाते हैं, और कंबाइंड के बाद एक लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से ना ये वाला इलेक्ट्रॉन या होल उधर जा पाए, ना इधर से कोई और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इधर आ पाए, इस वजह से एक लेयर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो सोचने की बात ये है, ठीक है फ्रेंड्स, कि जो लेयर बन गया, इसी लेयर को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर मतलब खाली लेयर, खाली लेयर मतलब कि ये जो पॉजिटिव आयन है इस इलेक्ट्रॉन का दिखा रहा है, और ये नेगेटिव आयन से इसका दिखा रहा है, इस पी टाइप में जो जितने इलेक्ट्रॉन है उतना दिखा रहा है। आप डायग्राम देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे तो तीन ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो है कि चार दिखा रहा है चार्ज, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ऐसे हो गया, चार इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे चार होल था तो इसके जो आयन हमने यहाँ ड्रॉ किए हैं, यहाँ पे जो चार इलेक्ट्रॉन थे उसके आयन हमने यहाँ ड्रॉ किए, दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, और यहाँ पे जो एक न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज दीवार बन जाती है, या होल मतलब एक ऐसा जो न्यूट्रलाइज नहीं बोलता, बोल सकते खाली जगह बन जाता है, ठीक है, खाली जगह बन जाता है। खाली जगह बनने से क्या होता है फ्रेंड्स, कि वहाँ पे डिप्लेशन है, वहाँ पे कुछ भी चीज मतलब कोई ना इलेक्ट्रॉन होते ना होल होते हैं, इस खाली जगह होने की वजह से क्या होता है कि ना इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते हैं, ना प्रोटॉन उधर या होल उधर जा सकते हैं, इसी को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, ठीक है। और ये जो आयन होते हैं, अगर एन टाइप में वो आयन बन रहे हैं पॉजिटिव, उसको बोलते हैं पेंटावलेंट आयन। और ये आयन यहाँ बनते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, ट्राइवेलेंट आयन, ठीक है, ट्राइवेलेंट आयन, ठीक है, आई होप, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। इसको बोलते हैं ट्राइवेलेंट आयन, इसको बोलते हैं पेंटावलेंट आयन, ठीक है, क्योंकि ट्राइवेलेंट के खेमे में यानी ट्राइवेलेंट के पी टाइप में आयन बना है, इसलिए पेंटा ट्राइवेलेंट, ये वाले एन वाले बना है पेंटावलेंट आयन में बना है, पेंटावलेंट वाला रीजन बना है, इसलिए पेंटावलेंट आयन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब एक बात बताओ मेरे को, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और नेगेटिव में जाता है, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, यही बात है ना। तो ये बात बताओ, इन दोनों में जब ये पॉजिटिव है नेगेटिव है दोनों ही चार्ज है, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल भी तो बनेगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव है नेगेटिव है पोटेंशियल, और पोटेंशियल क्या है डिफरेंस है, क्योंकि ये अलग पोटेंशियल का, ये अलग पोटेंशियल का है, यानी ज़्यादा पी जो है ज़्यादा पोटेंशियल का है, और आई माइनस जो है कम पोटेंशियल का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होगा कि यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पी से माइनस की ओर यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड बने पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी पैदा नहीं हो सकता, जनरेट नहीं हो सकता है, ठीक है, या फिर या पोटेंशियल डिफरेंस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, यानी कहीं कोई भी एक चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, जैसे बैटरी में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाऊंगा जब, तो फ्रेंड्स ये जरूर बताऊंगा कि कोई भी जो है कि ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो ये जो लेयर है, इस लेयर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इस लेयर को क्या बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बन रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ प्लस पोटेंशियल है माइनस पोटेंशियल, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस में काफ़ी अंतर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बन जा रहा है, इसलिए कभी कभी इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल का बैरियर, बैरियर तो था ही लेकिन अब लेयर तो था ही, इसी लेयर को बोलती है बैरियर, जो कि क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल से बना है, इसको वी नॉट से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने मतलब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो और एक ऑलरेडी लेयर था तो उसी लेयर को हमने क्या बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको डिप्लेशन लेयर भी बोलते हैं, ठीक है, पोटेंशियल पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आई कुछ प्रॉपर्टीज हैं
पीएन जंक्शन के बारे में, उसके बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज तुरंत जल्दी जल्दी पढ़ दिए जाते हैं, ठीक है आइए बात करते हैं। चलिए फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ठीक है वो एन रीजन में स्टार्ट करते हैं, डिफ्यूज करते हैं ठीक है, और वो कंबाइन होते हैं, ये सब मैंने बता दिया है। हाँ अब ये जो पोटेंशियल बैरियर है फ्रेंड्स वो अलग अलग फैक्टर्स पे अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमने कितना अमाउंट में डोपिंग किया है ठीक है, टेम्परेचर क्या है, मटेरियल ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है, कौन सा मटेरियल ऑफ सेमीकंडक्टर यूज़ किया, सिलिकॉन यूज़ किया है, गैलियम यूज़ किया है ठीक है, एन टाइप में हमने एन टाइप बनाने के लिए उसको क्या यूज़ किया, आर्सेनिक यूज़ किया, एंटीमोनी यूज़ किया, पी टाइप बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया है ठीक है, गैलियम यूज़ किया, फिर इंडियम यूज़ किया, क्या यूज़ किया है ठीक है, ये टाइप ऑफ मटेरियल हो गया सेमीकंडक्टर के। टेम्परेचर क्या हमने रूम में रखा है या फिर गैस, मतलब टेम्परेचर जहाँ राइज है वहाँ रखे हैं, तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर कोफिशिएंट के ग्राफ में मैं बताया था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा यानी करंट बढ़ेगा, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो क्या इनवर्स में है, पता होगा आपको, वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर यानी वी आर आई आर ठीक है फ्रेंड्स, यानी वी बाई आर इज इक्वल टू आई ठीक है, यानी आर और आई का जो कॉम्बिनेशन है कि आई इज इक्वल टू 1/r इंटू वी, वी को कांस्टेंट मान लें तो 1/r, ये रिलेशन होता है, इसी रिलेशन से क्या होता है कि करंट अगर रेजिस्टेंस घटता है तो करंट क्या होगा बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो करंट क्या होगा बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स चलिए, ठीक है फ्रेंड्स चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आधे घंटे का वीडियो हो गया, लेकिन ज़रूरी था ये बताना ठीक है फ्रेंड्स। और अगर देखिए अब कुछ और बात करते हैं, अगर मान लीजिए अलग अलग मटेरियल का जो सेमी कंडक्टर अलग अलग मटेरियल जो इस पर डिपेंड करता है, डोपिंग डिपेंड करता है, अलग अलग फैक्टर्स जो हैं ठीक है, फैक्टर जिसपे कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन जो होता है वो डिपेंड करता है ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पीएन जंक्शन ठीक है, पोटेंशियल बैरियर किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल बैरियर का जो फैक्टर है पोटेंशियल बैरियर का ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या है, वी नॉट से पोटेंशियल बैरियर को, वी फॉर वोल्टेज, वी नॉट फॉर पोटेंशियल बैरियर ठीक है। चलिए पहला फैक्टर क्या है डोपिंग का, दूसरा फैक्टर क्या है फ्रेंड्स मटेरियल का, सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, तीसरा टेम्परेचर का ठीक है फ्रेंड्स, और एक टेम्परेचर मटेरियल डोपिंग ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि सिलिकॉन में क्या होता है कि 0.7 वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसको ब्रेक करने के लिए इसके जो एक पोटेंशियल बैरियर को या इस डिप्लेशन लेयर को ब्रेक करने के लिए, वही जर्मेनियम में क्या होता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी हम जर्मेनियम को इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसको एक्सट्रैक्ट करना जो है कि काफ़ी प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है, जबकि सिलिकॉन क्या होता है कि आसानी से बहुत हैवी मात्रा मिल जाता है और उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट थोड़ा सा इससे ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी कम होता है, जितना ज़्यादा इसके मिलता है मौजूद है हमारे नेचर में, इस वजह से इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको कम प्रेफरेंस, गैलियम को कम प्रेफरेंस देते हैं, सिलिकॉन को ज़्यादा प्रेफरेंस हम देते हैं। ये था पीएम जंक्शन का फॉर्मेशन, कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे फॉर्मेशन नहीं होता है ठीक है, कुछ चीज़ों के बारे में इस चीज़ को आप देख लिए होंगे, आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर धीरे धीरे ठीक है, समय को बिना गंवाएं फ्रेंड्स, आज हम कुछ इसके और जो मेन टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, कल हम इसके बारे में बायसिंग के बारे में पढ़ाएंगे ठीक है फ्रेंड्स। बायसिंग मतलब कि वोल्टेज जोड़ देना, एनर्जी देने को ही बायसिंग बोलते हैं ठीक है। चलिए फिर इसको समझ लेते हैं ठीक है, मान लो पी टाइप का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पी होल्स यहाँ जनरेट है, और एन टाइप का कंसंट्रेशन ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो इकट्ठा होने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा जहाँ चार्ज आ रहे हैं वहाँ चार से और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ डिफ्यूज़ होंगे यहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल जो है यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट आयन, नंबर ऑफ पेंटावेलेंट आयंस ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर बहुत ज़्यादा हो जाएगा ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन यानी बहुत ज़्यादा मात्रा अगर हो जाएगा इसमें पी टाइप में या एन टाइप में
एन टाइप में या पी टाइप में बहुत ज़्यादा मात्रा होने की वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ करेंगे होल की तरफ, बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ करेंगे होल की ओर और बहुत ही ज़्यादा जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पे चार है वहाँ पे और ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाएगा आयन्स का, यहाँ भी जो है कि नेगेटिव वाला ट्राइवेलेंट आयन्स हैं वहाँ पे उसका भी कंसनट्रेशन जो है कि ज़्यादा हो जाएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बहेगी फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा फ्लो होने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये जो एरिया है कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब ज्यादा और ज्यादा आर्टिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा इस पे अट्रैक्ट करेगा तो ये एरिया और ज्यादा वाइडर होगा। कहने का मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है पी टाइप और एन टाइप का, इफ कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन का या होल का, इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा और पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा होगा, पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा होने इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, वाइडर होगा, ठीक है, यानी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा फ्लो होगा, ठीक है। इस चीज़ को, इस नेचर को यहाँ से हमें समझना है, इसी यही इसी नेचर को हमने समझ लिया तो हमारा बहुत सा काम क्या होगा, आसान होगा, जितना ज़्यादा ये वाइडर होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने से क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा बढ़ा होगा वाइडर होगा, क्योंकि कंसनट्रेशन क्या हो रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को हम जल्दी लेके आएंगे फ्रेंड्स, रेगुलर वीडियो आएगा, टेंशन मत लीजिए, और आई होप